कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा? A monk of the International Society for Krishna Consciousness has ridiculed Swami Vivekanand, asking whether Divya Purush can eat fish. The video, like many other videos of Amogh Leela Das, went viral. देखो दिव्य पुरुष है नहीं है ये बाकी बात. पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा? क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है. और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है. क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है. क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है. ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है. ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है. ये नहीं, ये ठीक नहीं है. देखो वैसे हम विवेकानंद जी का सम्मान करते हैं. अगर यहां विवेकानंद जी खड़े होते मैं उनको दंडवत करता कि भाई अच्छे साधु पुरुष है. लेकिन विवेकानंद जी की जो कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं है वो फिर स्वीकार्य नहीं है. हम अंधा होकर स्वीकार नहीं करेंगे उनको. एज अ व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस. हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी. तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हम. लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है. जैसे ये बोलना कि बैंगन खाना तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि बैंगन से पेट भरता है. अरे भाई बैंगन को बनाओ, तुलसी का पत्ता रख के भोग लगाओ, बैंगन खा लो. पर ये बोलना तुलसी से वो श्रेष्ठ है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. ये बोलना फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आती है, भगवदगीता पढ़ने से टीम स्पिरिट नहीं आती. तो भाई तुम 3 घंटा फुटबॉल खेलो और आधा घंटा गीता पढ़ लो, कर सकते हैं ना. पर ये बोलना गीता पढ़ना उससे ज्यादा श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है, ये गलत है. The ISKCON took note of the video and banned him for a month. Das will now go for atonement for this 1 month in the Govardhan Hills.